मार्च को इलाज के दौरान सास की मौत हो गई। महिला की पिटाई का वीडियो सामने आ गया है। वीडियो के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में आंतरी थाना क्षेत्र के पिपरी पुरा गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से बुजुर्ग मां को पीटती हुई ये बहुएं नजर आ रही हैं। सभी मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला सामने आया है। देखिए किस तरह से घसीट घसीट कर बुजुर्ग मां को पीटती हुई ये बहुएं नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर लेटाकर मां की बेरहमी से पिटाई की गई, और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हो जाता है कि वहां पर युवक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बचाने का प्रयास कोई नहीं करता है। माँ की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि बुजुर्ग माँ अधमरी हो गई। देखिए कुछ लोग और नजर आ रहे हैं जिन्होंने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, और बेरहमी से ये दोनों भैये बहुए पीटती हुई नजर आ रही हैं ये वीडियो में। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह वीडियो सामने आई है। और देखिए बेहद ही शर्मनाक ये घटना सामने आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अशोक जादौन जी, सीएसपी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और उनसे जानेंगे कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या कानूनी कार्रवाई इन बहुओं के खिलाफ। अशोक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। क्या कानूनी अगली कार्रवाई होगी अब इनके खिलाफ? ये एक मारपीट की घटना रिपोर्ट हुई थी, और उस पर से जो घायल महिला थी, वृद्ध महिला थी, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष होगी, उसका देहांत हो गया था 10 तारीख को। पहले ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि किन किन लोग इस घटना में शामिल हैं। ऐसा बताया गया था कि परिवार के लोगों ने मारपीट की है, लेकिन बाद में एक वीडियो जब सामने आया तो उसमें क्लियरली दिख रहा था कि जो मृतक महिला है उसकी दोनों बहुओं ने और बेटों ने मिलकर के मारपीट की है, जिससे महिला की मृत्यु हो गई है। अभी हमने एक महिला जो उसकी बहू थी, बड़ी बहू, उसको गिरफ्तार कर लिया है, और कुल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है, और कुल 6 लोगों के खिलाफ हमने हत्या 302 की धारा में मामला पंजीबद्ध किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका इस पूरे मामले में जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विस्तार से पहले तो इस पूरे मामले को समझाइए कमल वर्मा जी। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ग्वालियर की आज थाना क्षेत्र का मामला, पिपरी गांव का ये मामला है। वहां 7 दिसंबर को जो छोटी बहू को लेकर एक पंचायत बैठा ली गई थी पूरे गांव में, तभी किसी बात को लेकर वहां विवाद हो गया। जहीं भाई छोटी बहू और बड़ी बहू ने मिलकर साथ के साथ अपनी साथ के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद जब पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा, वहां जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की गई, तो इसमें फिलहाल प्रथम दृष्टया जो छोटी बहू के परिवार के हैं, दो बेटे और छोटी बहू के पिता, और छोटी बहू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन जब ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ और पकड़े गए जो छोटी बहू के पिताजी हैं, और उनके छोटे भाई ने बताया कि पूरी मारपीट में उनकी बड़ी बहू का भी हाथ था, और वही उनका जो बड़ा बच्चा था वो भी वहीं पर खड़ा हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने अब जो महिला को 9 तारीख को इलाज के लिए भर्ती कराया था, उसके बाद 10 तारीख को महिला की मौत हो गई। मौत के बाद पुलिस ने जिसमें हत्या के मामले में 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। बिल्कुल, बड़ी बहू की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन सबसे शर्मसार कर देने वाले ये युवक भी नजर आ रहे हैं इस वीडियो में, जो पूरे तमाशे को देख रहे हैं लेकिन रोकने का प्रयास नहीं करते, बुजुर्ग माँ को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।